Hello everyone. So in the previous lecture we have discussed the important parameter for the mechanics, and the third parameter that we have discussed in the previous lecture was speed. We have discussed types of speed, then special cases for the calculation of the speed. अब इस लेक्चर के अंदर हम आज फोर्थ पैरामीटर स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी. सो जैसे लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी का मेन डिफरेंस और जो स्मॉल डिस्कशन हमने किया था कि स्केलर क्वांटिटी इट मींस कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर हमें किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो उस क्वांटिटी के लिए मे बी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी. सो स्केलर एंड वेक्टर का मेन डिफरेंस हमें पता है, उसी के बेसिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्पीड को डिफाइन किया था, देन टाइप ऑफ स्पीड को भी डिफाइन किया. टाइप ऑफ स्पीड के अंदर हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी, वेरिएबल स्पीड देखी, एवरेज स्पीड एंड देन इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो उसी पैरामीटर के बेसिस पे अगर हमने किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर हमें स्पीड कैलकुलेट करना होगा, तब उसी स्पीड को डायरेक्शन के साथ हम इंडिकेट करेंगे तो वो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी देगी. सो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी कैन से कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. सो ये चीज आपको याद रखना है कि स्पीड एंड वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या होगा, एंड वी कैन से स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो अगर हमें 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये फिजिकल क्वांटिटी स्पीड हो सकती है. इसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो ये स्पीड कन्फर्म है, बट किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और हमने उस क्वांटिटी की डायरेक्शन बाद में डिफाइन की तो वो क्वांटिटी वेलोसिटी भी हो सकती है. सो स्पीड एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, बट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा 5 मीटर पर सेकेंड. कौन सी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो स्पीड एंड वेलोसिटी में ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है. सो आज का ये न्यू पैरामीटर मैकेनिक्स का वेलोसिटी को डिफाइन करना है हमें. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन हम यहां पर ऑलवेज डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object in any direction is called its velocity. So main important point kya hoga yahan pe, direction. सो डायरेक्शन के साथ हमें मैग्नीट्यूड का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है. सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इट मींस कि ये क्वांटिटी जो होगी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देन इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1. सो डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट, ये सेम स्पीड के ही डायरेक्टली यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, तो स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए सेम यूनिट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, द मेन डिफरेंस इज डायरेक्शन. अब वेलोसिटी के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, तो हम अलग अलग टाइप स्टार्ट करेंगे. सो डिफरेंट types of velocity.
अब अलग अलग टाइप की वेलोसिटी, मतलब कौन से टाइप्स के अंदर हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, तो फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन की थी कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम टाइम इंटरवल के अंदर अगर उस पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस कंप्लीट किया तब हमने उसको डिफाइन किया था यूनिफॉर्म स्पीड से। अब हम पोजीशन चेंज करेंगे बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो इस क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस के प्लेस पे हम ऑलवेज यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड। ये भी एक मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। सो फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन टाइप नंबर टू वेरिएबल वेलोसिटी, देन थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी, एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये चार अलग अलग टाइप हम डिफाइन करेंगे। टाइप नंबर वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा तब इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वहां पे हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे। तो शॉर्ट में हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। देन सेकेंड वन वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट टाइप होगा। वेरिएबल वेलोसिटी कब मानेंगे हम? अगर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हमने किसी भी पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हुई या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तब भी हम ये मानेंगे कि इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। सो हमने मान लिया कि सपोज किसी पार्टिकल ने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डिरेक्शन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट किया 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डिरेक्शन, मतलब डिरेक्शन सेम थी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बट वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी। सो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज हमारी चेंज हुई इट मीन्स की वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। सो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई इट मीन्स की वेलोसिटी चेंज होगी। सो वेरिएबल वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम देन वी कैन से the particle or object has variable velocity। ये एक चीज आपको याद रखनी है, velocity के अंदर changes किस position, मतलब किस point पे हो सकता है। So velocity में changes या तो हम displacement की direction change करेंगे या तो फिर हम displacement का magnitude change करेंगे। So velocity के अंदर changes magnitude and direction दोनों की वजह से आ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
एवरेज वेलोसिटी. सपोज किसी पार्टिकल ने t1 टाइम के अंदर x1 डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, t2 टाइम के अंदर x2, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा. मतलब हमने सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का यहाँ पे अटेंशन चाहिए, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा. सो अगर हमें v एवरेज चाहिए और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम उसके ऊपर ऑलवेज एक एरो की साइन रखेंगे. इसका मेन रिप्रेजेंटेशन ये एरो हमें क्या डिफाइन करेगी, ये सारी चीज हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. बट आपको ये चीज याद रखनी है कि वेक्टर को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1. टाइम इंटरवल कितना होगा, सो x2 - x1 इज डेल्टा x एंड t2 - t1 इज डेल्टा t. सो ये हमारे एवरेज वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा x बाय डेल्टा t से. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया था, इन द सेम वे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तब हम नॉर्मली टाइम को लिमिट करेंगे. टाइम को लिमिट करना इट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू dx बाय dt. सो जैसे जैसे चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे इसी पार्ट को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर हमारा फोकस सबसे मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहां से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. इसका डिटेल कन्वर्सेशन हम जैसे चैप्टर और फर्दर हमारा एक जो पैरामीटर लास्ट बाकी है एक्सेलरेशन, इसके बाद हम स्पेशली डिफरेंशिएशन के लिए अलग लेक्चर्स के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे. सो dx by dt को अगर आपको रीड करना होगा तो इसको आप कैसे रीड करोगे, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t. और दूसरी मेथड भी होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ x d by dt, मतलब एक ऐसा ऑपरेटर है जिस ऑपरेटर से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये सारे से जो ऑपरेटर्स हैं उसी टाइप से हमारे पास ये भी एक ऑपरेटर होगा डी बाई डी एक्स. इस ऑपरेटर के अंदर हम कोई भी फंक्शन करेंगे और उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा. सो मेन मीनिंग मेन कंसेप्ट क्या होगा ये हम चैप्टर के साथ आगे स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है डी एक्स बाई डी टी वेक्टर की साइन के साथ x2 - x1 अपॉन t2 - t1 विच इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t. इसी एवरेज वेलोसिटी के अंदर अगर हमने टाइम को लिमिट किया तो हमें किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी मिल सकती है, उसी वेलोसिटी को हमने नाम दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो डेल्टा x बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू dx बाय dt. d बाय dx ये हमारे एक ऑपरेटर होगा, इसको रीड कैसे करेंगे, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन या फिर x. तो ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट. अब किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना होगा या फिर वेलोसिटी तो मेन डिफरेंस क्या होगा. सो हम नॉर्मली स्पीड एंड वेलोसिटी के मिक्सचर के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हमने स्टार्ट किए उस पैरामीटर्स के अंदर मेन डिफरेंस स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का है. सेकेंड चीज हम कब कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे डायरेक्शन के ऊपर भी, मतलब अगर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन दिया होगा या फिर हमें किसी एक सर्कल के ऊपर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया होगा तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का. सेम कंसेप्ट हम स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए भी यूज करेंगे. सो जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए डायरेक्शन के साथ विदाउट डायरेक्शन, ये सेम कंसेप्ट हम स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए भी यूज करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन
एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। देन जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तब इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स।